खरीदने के 5 दिन बाद ये बिल्कुल डेड हो गया था। अक्सर ये हैंग हो जाता है। इसकी एक बार बैटरी भी चेंज हुई है, 90 किलोमीटर की रेंज निकलती है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह वो भी ठीक से नहीं करते हैं। यहाँ एक बटन देना चाहिए था। पेट्रोल पंप तो ना जाओ तो बढ़िया है, सबसे घटिया सर्विस सेंटर है। एक बार एक्सीडेंट हुआ मेरा इससे, बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है। फाइनली अपने पास आ चुका है भाई ओला का S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर, फर्स्ट जनरेशन वाला स्कूटर है, जिसे लेके आए भाई साजिद भाई। साजिद भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया भैया। तो साजिद भाई से हम जानने वाले हैं इनका अभी तक क्या एक्सपीरियंस है ओला के इस S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेके। ये कितने का आया था, इस पर सब्सिडी मिली नहीं मिली है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, सब कुछ जानने वाले हैं साजिद भाई से। बताओगे? बिल्कुल जी भैया, बिल्कुल बिल्कुल सच बता। बताने के लिए आए, बताने के लिए आए। आज ओला की पोल खोल लेंगे। पोल खोल दोगे ओला की? ठीक है भाई, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साजिद भाई, कि आपने इसे कितने का लिया था और कब लिया था? मैंने इसको दिसंबर 2022 में लिया था। ओके, और जो है 1,24,000 रुपये का मैंने लिया था ये। 1,24,000? 1,24,000 का लिया था उस टाइम मैंने। ओके, क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड पे। एक बार इसका मॉडल और इसकी स्पेसिफिकेशन। ये S1 है, 2.9 किलोवाट बैटरी के साथ, ठीक है, आता है। और कंपनी क्लेम करती है इसकी 140 किलोमीटर की, 128 किलोमीटर की रेंज, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में जो इसकी रेंज है ना, वो अगर सिंगल बंदा बैठेगा तो 80-90 किलोमीटर की रेंज निकलती है। और डबल पे मैंने बिल्कुल चेक कर रखा है 65 किलोमीटर, ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो इसका S1 Pro आया था फर्स्ट जनरेशन वाला, और इसमें मेन क्या डिफरेंस था? बैटरी के अलावा कुछ और भी डिफरेंस था? इसमें बैटरी का डिफरेंस था ज्यादा, सिर्फ बैटरी का डिफरेंस था, और जो है इसका हाइपर मोड था। अच्छा, हाँ, और जो है बाकी तो कुछ ज्यादा फर्क था नहीं। टॉप स्पीड कितनी थी इसकी? हाँ, इसकी टॉप स्पीड जो है 95 है, वो 125 है, 120 है वो। 120? हाँ, वो 120 है। ठीक है, तो साहिद भाई अब स्टार्ट करते हैं कि आप इसे डेली कैसे यूज करते हो। मैं इसको लोकल में यूज़ करता हूँ डेली। ओके, हाँ। कितने किलोमीटर चलता है ये? मेरा जो है डेली का 30-40 किलोमीटर, ज़्यादा रनिंग नहीं है, 30-40 किलोमीटर घर से शॉप और शॉप से घर बाजार लोकल में घूमने के लिए मैं इसको इस्तेमाल में लेता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेते हैं भाई ने कितना चला लिया ये। हाँ, एक सेकंड, इसकी बड़ी दिक्कत है। 14,256। तो भाई ने 14,256 किलोमीटर चला लिया है। साहिद भाई एक बात बताओ, आपने इसे टच स्क्रीन से खोला है जी, ये मोबाइल ऐप से भी तो खुलता है, तो मोबाइल ऊपर क्या प्रतिक्रिया? हाँ हाँ, मोबाइल इसकी जो एप्लीकेशन है ना, मतलब ठीक से वर्क नहीं करती है। ओके, और जो ये प्रॉक्सिमिटी सेंसर वगैरह है वो भी ठीक से नहीं करते हैं। आ गया बीटा वर्जन, उसके बाद अब स्टेबल भी हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी भी इतना बढ़िया नहीं है जो होना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना जो कंपनी को जैसे उसमें बजाज चेतक में है, यहाँ एक बटन देना चाहिए था। अच्छा, क्योंकि अक्सर ये हैंग हो जाता है। ओके, बहुत ज़्यादा हैंग होता है, कई बार ज़्यादा तेज़ धूप में खड़ा कर दो तब भी हैंग हो जाएगा, फिर इसको रिबूट करना पड़ता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये जो है मेन दिक्कत है इसके अंदर। अभी तो खैर चाबी वाला आ गया है। और इससे पहले आप क्या चला रहे थे? इससे पहले मेरे पास था सुजुकी एक्सेस। ओके, तो वो उसमें कितना तेल आपका लग जा रहा था? उसमें तो मेरा ये मान लो 2-3 हज़ार रुपये महीने का तेल लग जाता था आराम से। ओके, और ये आपने EMI पे लिया था? ये मैंने नहीं, मैंने कैश लिया था, ये क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड से कैश करा लिया, उस पर डिस्काउंट मिला था इस वजह से। ठीक है, तो अब मेरे को ऑडियंस के लिए बता दो जी, आप इसे जब चार्ज करते हो तो आपके कितने रुपये लग जाते हैं एक बार फुल चार्ज करने में? वैसे कभी नोटिस तो करा नहीं, लेकिन 2 से 3-4 यूनिट के आसपास लग जाती है, 3 से 4 यूनिट, क्योंकि 4-4.5 घंटे ले लेता है चार्ज होने में। ठीक है, और अगर आप इसे प्राइस में कन्वर्ट करें कितने बैठ जाती है? तो ये हमारे यूपी में तो बैठेगी कम से कम आपकी 30-35 रुपए की बिजली बैठ जाएगी। 30-35 रुपए में, और आपका कितना चल जाता है फिर ये? ये चल जाता है 90 किलोमीटर सिंगल, तो 30-35 से 90 किलोमीटर चल जाता है। ठीक है भाई, और भाई जो है अब पेट्रोल के पैसे 3,000 हर महीना बिल्कुल बचा रहा हूँ, बहुत फायदा होता है भाई ईवी का, बहुत फायदा हो रहा है, जो कि भाई के चेहरे पे हमें दिख। मैं तो किसी को भी सलाह देता हूँ कि भाई ईवी ले लो, बिल्कुल ले लो, बिल्कुल ले लो। और एक तो सबसे बड़ी बात साजिद भाई ये होती है कि पेट्रोल पंप की शक्ल देख सालों हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये बात है, जिस दिन मैं गाड़ी निकालूंगा ना उस दिन मुझे पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा सिर्फ, बस हवा, और वो भी गाड़ी निकालने के लिए, या फिर अगर ईवी लेके जाना है तो हवा भरवाना, बस हवा तो लोकल में भरवा लो चाहे, पेट्रोल पंप नहीं, पेट्रोल पंप तो ना जाओ तो बढ़िया है, ना जाओ तो बढ़िया है। बहुत फायदा, वैसे इसका बहुत फायदा है ईवी का जो है ना। मैं सब, मेरे से कोई पूछता ना कि नया ट्यूब वेल लाना है तो भाई ईवी लेकर आओ, बहुत सबको ये सलाह देता हूँ मैं, चाहे वो 50,000 वाला ले लो अगर आपका बजट कम है। लेकिन अब तो कंपनी 500-500 रुपए देके ईवी दे रही है, अब तो अब तो बहुत बहुत ज्यादा सुविधा हो गई है। हाँ, बहुत सुविधा हो गई है। तो अब साजिद भाई ये बताओ, अब अभी तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है सर्विस वगैरह को लेके या फिर चलाते हुए कि आपका स्कूटर बंद पड़ गया हो? हाँ, ऐसा भैया 4 बार हुआ मेरे साथ। अच्छा, हाँ बताओ। ऐसा जब मैंने इसको खरीदा था ना, मैंने दिसंबर में खरीदा था, तो खरीदने के 5 दिन बाद ये बिल्कुल डेड हो गया था। खरीदते ही बिल्कुल डेड हो गया था। ओके। पापा बोल रहे थे कि अभी मत लो, अभी ईवी नया नया है,
ठीक है, तो अभी इसमें कुछ खराबियाँ है, कमियाँ है, अभी कुछ दिन और चलना तब ले लेना। ठीक है, तो अब वो तो बहुत गुस्सा हुआ, मुझे लगा अब तो मामला खराब हो जाएगा। बिल्कुल कुछ भी काम नहीं करा ना स्क्रीन आ रही। फिर मैंने इसका कंपनी में कॉल किया, कंपनी से बंदा आया, उसने आके चेक करा सब कुछ, रिबूट वगैरह जो उन्होंने मुझे फोन पे बताया वो उन्होंने घर आके करा, उनसे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके बाद मैंने कंपनी को फोन करा, क्या हुआ कि हम अभी सर्विस सेंटर मंगाते हैं, वहाँ मंगा के चेक करेंगे क्या हुआ, हमारी तरफ से सब कुछ ओके है। तो असल में फोल्ड क्या था, उसके चूहों ने वायर काट दिया था। पांच दिन में वायर काट दी थी, ये तो बड़ी प्रॉब्लम। लेकिन मुझे सर्विस अच्छी मिली उस टाइम। अच्छा, पटपड़गंज में शोरूम था इनका, सर्विस सेंटर था, वहाँ पे इन्होंने लेके गए, वो आरएससी लेके गई, आरएससी घर से लेके गए वो। उन्होंने इसका हैंडल लॉक जानता ना, तो हैंडल नहीं खुलता इसका बिना उसके। वो बंदा आया, इसने इसको खोला, अंदर से हैंडल लॉक निकाल के अलग रख दिया और वो वहाँ से लेके चले गए। फिर मैंने फोन किया, मैंने ट्विटर वगैरह पर भी डाल दिया, छोटे वाले भाई ने कि ट्विटर पर डालते ही भी नई गाड़ी ली इतनी जल्दी खराब हो गई, चार लोग देखते तो हंसते भी है यार, बताओ अभी तो ली थी इन्होंने इलेक्ट्रिक। तो फिर वहाँ पे इन्होंने आठ दिन से पहले पूरी वायरिंग सारी हार्नेस वगैरह सब चेंज कर दी, 600 रुपये लिए थे, इंश्योरेंस में क्लेम हो गई थी वो। ठीक है, ओके। उसके बाद फिर MOVS 4 आया था। एक बात और बताओ, ये जो आपका एक्सपीरियंस हुआ था ये दिसंबर में ही हो गया था? दिसंबर में हो गया था ये पांच दिन बाद ही हो गया था। मुझे लगा मैंने यार साला कुछ गलती कर दी, मुझे लगा मैंने पता नहीं क्या ले लिया। तो मैं बहुत मतलब फिर परेशान भी हुआ, लेकिन 8 दिन में गाड़ी मिल गई थी मुझे। ठीक है, सर्विस सेंटर वो बढ़िया सर्विस सेंटर है, यहाँ से बंद हो गया वो। अच्छा, हाँ वहाँ मेरी गाड़ी दो बार गई थी। तो उसके बाद क्या था, फिर MOVS 4 आया था, वो बीटा वर्जन था। ठीक है, मैंने उसको इसमें जो है इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करती इसने एक्सीलेटर पकड़ना बंद कर दिया। अच्छा, फिर बंद कर दिया एक्सीलेटर, महीना भी 1.5 महीना और हुआ था जब MOVS 4 आया था। तो बिल्कुल गाड़ी बंद हो गई, मैंने यार क्या करे। आपको भी मैंने मैसेज किया था। अच्छा। आप कह लगे भैया सर्विस सेंटर भेज दो, कुछ नहीं होगा अब तो इसमें। तो उसके बाद जो है फिर दोबारा सर्विस सेंटर RSC की टीम दोबारा लेकर गई इसको। अच्छा। फिर उन्होंने वहाँ भेज दिया था इसको, इसका इनका सबसे बड़ा है ओखला, लेकिन वो सबसे घटिया सर्विस सेंटर है। अच्छा। बंदे किसी से बात करने को तैयार नहीं। अच्छा, मैंने इसका फ्रंट फोक का भी अपॉइंटमेंट ले रखी थी। ओके। मैंने बोला भाई मैं बहुत दूर से हूँ, गाजियाबाद से बोल रहा हूँ, आप इसका फ्रंट फोक भी करा दीजिए, सारे काम करा दीजिए जो है, और मैं एक साथ उठा लूँगा गाड़ी अपनी। ठीक है। तो उन्होंने कराया नहीं, हाँ मैं वो आपके अपॉइंटमेंट में, मेरी अपॉइंटमेंट अभी 1-2 दिन बाद की है, पहले कर दीजिए, 2 दिन में बाद में ले लूँगा। लेकिन उन्होंने करा नहीं, बंदा बहुत बेकार था वो। तो फिर मेरी गाड़ी हो गई, मैं जाके अपनी गाड़ी लेकर आ गया। उसके बाद एक बार बरसात में ही ना चलते चलते अपना आप ही पता नहीं क्या हुआ, फिर इसने दोबारा एक्सीलेटर लेना बंद कर दिया। ठीक है। तो पापा कहीं गए हुए थे रास्ते में, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि गाड़ी बंद हो गई है। मैंने यार पता नहीं पापा के साथ ही होती है। तो मैंने चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। मैं उनको लेकर आ गया, मैं गाड़ी वहीं छोड़ आया रास्ते में। फिर मैंने दोबारा तीसरी बार आरएससी बुक किया मैंने। ठीक है। फिर वो गाड़ी लेकर गई, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई वायर वगैरह होता है वो लूज हो गया था। अच्छा। उसकी वजह से उन्होंने फिर जोड़ कर दे दिया। तो बाकी ये है। और ये बताओ जो ये अपना सॉफ्टवेयर वगैरह है जी, इससे इस स्कूटर के चलाने में या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंज आया, मज़ा आया या फिर ये बस नाम का ही था? नहीं नहीं मज़ा आता है इसमें, मज़ा आता है। हाँ, स्टार्टिंग में ना अच्छा प्रॉक्सिमिटी काम भी करता है कई बार तो। अच्छा, लेकिन उसमें भरोसा नहीं कर सकते। अच्छा, रिलायबल नहीं है। हाँ, रिलायबल नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते। अगर मैं पूछूं 10 में से कितनी बार काम करता है? 10 में से 5-6 बार काम कर देगा, 5-6 बार कर देगा काम वो आराम से। ठीक है, बाकी फीचर के मुकाबले में तो वाला नंबर 1 ही है फीचर में तो। इसमें इस वाले में गाने बजा, हाँ गाने बजते हैं, 2 स्पीकर है इसमें, इस वाले में 2 स्पीकर। अब तो वाला ना खेल खेल दिया बढ़िया वाला। अब तो वाला स्पीकर है, एक स्पीकर आ गया, एक ही आ गया स्पीकर इसमें, USB आ गया यहाँ पे। हाँ, तो जो नए बंदे हैं जो आज देख रहे हैं ओला को, तो भाई फर्स्ट जनरेशन में इन्होंने स्पीकर वगैरह भी दिए थे, सबसे बेस्ट था। हाँ, उस टाइम सबसे बेस्ट था। अब तो इन्होंने S1 में ना वो भी निकाल दिया, एक स्पीकर कर दिया है, एलॉय निकाल दिए, डिस्क ब्रेक निकाल दिए, बिल्कुल बहुत हल्की गाड़ी कर दी है वैसे। हाँ। मुझे अब उस टाइम लग नहीं रही कि मैंने महंगी ली है, अब लग रहा है कि मजा आ गया। अब मुझे लगा, अब बोला ना खेल खेल लिया असल में। हाँ। कि नीचे मॉडल क्या होते हैं, नीचे मॉडल सस्ता करने चक्कर में, बहुत सस्ता करने चक्कर में वो लोग, पता चल गया अब। हाँ। इसका टायर बहुत बेकार है, नया टायर ही मुझे चेंज कराने की सोच रहा था मैं कि करा दूं, क्योंकि बरसात में बहुत गिरता है टायर वो। अच्छा, एक बार एक्सीडेंट हुआ मेरा इससे। ओके। हाँ, यहाँ इधर से सारी पूरी गाड़ी लगी थी सब, ये एक्सीडेंट हुआ था मेरा यार। अच्छा, हाँ, ये भी वहीं टूटा है। हाँ, ये दुर्गापुरी चौक से आ रहा था मैं। अच्छा। इधर से फ्लाई ओवर के नीचे उतरते ना, बारिश हो गई थी। ओके। मैं 40 की स्पीड में था, ब्रेक लगाती बहुत दूर जाके मैं गिरा जाके। अच्छा। एक बंदा आया भगा हुआ, कह रहा भाई 1,40,000 वाला मुझे उठाया था हानी उसने। कह रहा भाई ये स्कूटर कौन सा है, उस टाइम नया था ये। तो मैंने भाई उठाते ले बता दूंगा कौन सा है। तो ये सब इसमें स्क्रैचेस वगैरह जब भी की आई हुई है। ओके। लेकिन बिल्ड क्वालिटी बहुत हल्की है। ये बताओ बिल्ड क्वालिटी हल्की है बहुत ज्यादा, अगर हम कंपेयर करें पेट्रोल से? हाँ ठीक है। हाँ, मतलब सुजुकी से कंपेयर करोगे तो उनसे तो हल्की है ही। मेरे को ये बताओ
ये फ्रंट सस्पेंशन बदलवा दिया आपने? नहीं बदलवा, चेंज ही नहीं करा उन्होंने। अभी मैं बुक करता हूँ, स्लॉट आता नहीं उसमें, टाइम देते नहीं उसमें वो। अच्छा, हाँ टाइम ही नहीं आता उसके अंदर। वैसे आपको लग रहा है प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है, मुझे तो लग नहीं रहा वैसे, मतलब जो है। हाँ, सही है। ओके चल रहा। मैंने बहुत गहरे गहरे गड्ढों में भी डाल के देखा है इसको, पानी में भी चलाया इसको बहुत मैंने। अच्छा, पानी में भी? पानी में भी। मैं बरसात होती है रुकता नहीं हूँ। अच्छा, बारिश होती है तो मैं भाग के सीना चौड़ा। कितना डुबा रखा है मैंने इसको? इतना डुबा रखा है। ओके, हाँ बारिश होती है ना, इससे ज्यादा पानी कहीं मिला नहीं। अच्छा, तो मैं उसमें भी ट्राई करते भाग के जाता हूँ मैंने। यार चल बढ़िया, इलेक्ट्रिक है, ट्राई कर लिया है। लेकिन हमारी वीडियो देख के तुम ट्राई मत करना कभी भाई, आरएसए का चक्कर काटो। भाई को तीन बार आरएसए मिल गया है, भी तुम्हें ना मिले। और दूसरी बात ये है कि बरसात में ना इसका कोई दिक्कत वाली बात तो इसमें है नहीं बरसात में। अच्छा, टच में दिक्कत आती है बस, जैसे पानी पड़ा तो फिर वो फोन में भी आ जाता है, नॉर्मल सी बात है। हाँ बस वो है। ठीक है, अब साहिद भाई मेरे को ये बताओ कि आपने एक्सपीरियंस बता दिया सर्विस का। इसकी एक बार बैटरी भी चेंज हुई है। अच्छा, बैटरी भी चेंज हुई। हाँ, अभी मुझे याद आया इसकी बैटरी को क्या हुआ था, 100% चार्ज करने के बाद 5 या 10 किलोमीटर पे बिल्कुल जीरो हो जा रही थी। अच्छा, हाँ फिर? तो दिलशाद गार्डन वाले सर्विस सेंटर लेके गया मैं इसको, वहाँ जाकर छोड़ कर आया। उन्होंने चेक किया कि आपकी बैटरी खराब है, नई बैटरी डलेगी। अब मुझे लगा यार 15-20 दिन में लगा दे, क्योंकि इनका सर्विस रिकॉर्ड तो खराब है। हालांकि मैं लड़ भिड़ के उनसे सर्विस फास्ट ले लेता हूँ। अच्छा, हाँ तो इनका सबसे अच्छा इलाज है ट्विटर पे डाल दो। अच्छा, ट्विटर की टीम आपको मैसेज करेगी, ठीक है, बात करेगी। तो 8-10 दिन में उन्होंने, 8 दिन से पहले मेरे को बैटरी नहीं चेंज करके दे दी उन्होंने। यार बैटरी में तो मैंने जिससे भी सुना है भाई टाइम लगता है, 8 दिन में मेरी बैटरी चेंज हो गई। 15 दिन तो मिनिमम मान के चलो अगर बैटरी बदल। बल्कि छोटे वाला भाई बोल रहा था कि यार बताओ नया स्कूटर है, अभी से बैटरी खराब होगी आगे क्या होगा। हाँ। मुझे एक बार को डर भी लगा लेकिन खुशी भी होगी, चलो बैटरी तो चेंज हो गई नहीं है। लेकिन ज्यादा चली नहीं थी गाड़ी मेरी। अच्छा। हाँ, ज्यादा गाड़ी चली नहीं थी गाड़ी। ठीक है, ये हमने रेड एलॉय करा रखे हैं, बड़े मुझे अच्छे से लग रहे हैं। हाँ मैंने ये रेड कराए थे। ये मतलब टेप लग रही है? ये टेप है, ये रेड। अच्छा, मैंने एक वीडियो में देखी थी मैंने। अच्छा, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने लगवा ली थी जाके। ज्यादा मॉडिफिकेशन भाई कराने नहीं देता मैं इसको, करा देता हूँ, छोटा वाला चलाता ना इसको। अच्छा, हाँ कहता नहीं सिंपल अच्छी लगती है। ठीक है, अब साहिद भाई मेरे को ये बताओ आपका पॉजिटिव क्या है एक्सपीरियंस और नेगेटिव क्या है? नेगेटिव में ना इसको ना कंपनी को एक इसमें बटन देना चाहिए था। ओके, अगर मान लो किसी को डिस्प्ले अक्सर हैंग हो जाती है। हाँ। तो इसके साथ बटन देना चाहिए था। दूसरी बात ये इसके बहुत, अब तो खैर चेंज कर दिया कंपनी ने, इसकी सीट और इसकी सीट चेंज करनी चाहिए। ओके, सीट इसकी इतनी हल्की है कहीं भी ब्रेकर पे दब जाती है। दूसरा, सीट चौड़ी तो है लेकिन लंबी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और एक इसका ये है, इसके इसको लॉक देना चाहिए। ओके, ये हाँ, फ्लैप की बात कर, फ्लैप की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। बच्चे अक्सर जो है इसको खोल देते हैं और तोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। और ये भी खैर ये तो चेंज कर दिया है कंपनी ने, अब तो हम की बात कर रहे हैं भाई। हाँ, हम की बात कर रहा हूँ, ये खैर चेंज कर दिया है। और बाकी जो ये थोड़ा बॉडी से बाहर निकली हुई है ना, इसको थोड़ा अंदर होना चाहिए। अच्छा, हाँ इसकी ये थोड़ी सी चीजें है, थोड़े शीशे है, ज्यादा बाहर है, ये तो खैर आदमी चेंज करा लेगा। लेकिन ये चीजें है इसकी नेगेटिव में। ठीक है, पॉजिटिव की बात करें? पॉजिटिव में तो इसकी परफॉर्मेंस सबसे मस्त है। ओके, दूसरी बात इसकी जो रेंज है। ओके। वो किसी ईवी में नहीं है इतनी। हाँ। ठीक है ना, इसका बूट स्पेस बहुत अच्छा है। हाँ, बूट स्पेस बहुत बेहतरीन बूट स्पेस है। और जो है इस वाले में तो आई थिंक 36 लीटर मिलता है। 36 लीटर है। हाँ, नए वाले में 34 हो गया, दो लीटर। हाँ, इसमें और एक्स्ट्रा है थोड़ा सा। ठीक है, और जो है इसका स्मार्ट फीचर है। ओके, रीजनरेशन है। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन इसकी जो चीजें है, ये सारी चीजें, बड़ी मजा आता है इसको चलाने में। अच्छा, एक चीज और है इसके अंदर, साउंड लगा लो, साउंड म्यूजिक लगा। हाँ, जैसे कि आप भीड़ भाड़ में चल रहे हो ना, किसी को पता चलता आप ईवी लेकर आ रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। हाँ, ईवी लेकर। हाँ, तो इसमें साउंड लगा लो अपना, जो सब हट जाएंगे। आर्टिफिशियल साउंड है जो इसकी। हाँ, वो बंदे हट जाते हैं सुन के साथ थोड़ा सा। हाँ, वो भी काम की चीज है। हाँ, वो बहुत काम की चीज है, और स्कूटर में नहीं आती मेरे ख्याल से वो। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, आपको आपने तो अच्छी खास चला लिया भाई, दिसंबर 2022 से देखे। हाँ, तो लगभग 2 साल होने वाले, लगभग 2 साल हो जाएंगे, कुछ महीने बाद 2 साल हो जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भाई से 10 में से कितने दोगे? 10 में से मैं इसको 7 स्टार दूंगा। 10 में से 7। ठीक है, और दूसरे बंदे को सजेस्ट करोगे नहीं करोगे? बिल्कुल करूंगा मैं। ठीक, लेकिन यंग बंदे को करूंगा मैं, यंग बंदे को। हाँ, जो ओल्ड है ना। हाँ। अंकल तो उनके लिए नहीं करूंगा, वो अक्सर इसमें परेशान रहेंगे। चाबी उनके लिए, चाबी वाला आ गया खैर अब। हाँ, चाबी हाँ उनके लिए आ गया। बाकी जो सिंगल यूज करता है ना, असल में हम 2-3 बंदे यूज करते हैं इसको, छोटा भाई है, पापा भी लेके जाते हैं, तो जो सिंगल यूज करने वाला उसके लिए तो बेस्ट चीज है, बहुत जबरदस्त। ठीक है, ओके साजिद भाई, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हमारे साथ, बहुत लोगों की हेल्प होती है। जी जी, आप जैसे भाई जब इनिशिएटिव दिखाते हैं, टाइम निकाल के आते हैं। हाँ, अभी मैंने बजाज चेतक प्रीमियम लिया है, तो आपकी वीडियो मैंने काफी कई दिन से देख रहा हूँ। सारे वीडियो बनाते हैं फिर आपके, हाँ उसमें बनाएंगे वीडियो। और आपका जो है ना एक्सपीरियंस, मैंने आपने उसमें चेक करी उसकी रेंज, अच्छा वो सब मैंने देख लिए। ठीक है, पहले भी देख ली थी खैर काफी टाइम से। ओके, ठीक है, थैंक यू भाई चैनल पे आने के लिए। और अगर आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस देना है अपना, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल रखा है, वहाँ पे व्हाट्सएप दो, दिल्ली एनसीआर वाले बंदे कहना। बाय बाय।